से धृतराष्ट्र बन गया है। ईवीएम को लेकर जुबानी महाभारत तो कई दिनों से चल रहा है, लेकिन इस जुबानी जंग में केजरीवाल के तेवर कभी इतने तीखे नहीं थे। केजरीवाल का भरोसा ईवीएम से इस कदर उठ चुका है कि चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र तक घोषित कर दिया। साथ ही इल्जाम भी लगा दिया कि वोटिंग मशीनों का सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया गया है। चुनाव आयोग एक तरह से धृतराष्ट्र बन गया है, जो अपने बेटे दुर्योधन को किसी भी तरह से ही साम दाम दंड भेद करके सत्ता में पहुंचाना चाहता है। चुनाव आयोग किसी भी तरह से करके, चुनाव आयोग का मकसद अब चुनाव कराना रह गया, नहीं रह गया। चुनाव आयोग का एक ही मकसद है, भाजपा को सत्ता में पहुंचाना। भिंड के अंदर चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दे दी और अब धौलपुर की जो मशीनें हैं उसके ऊपर भी चुनाव आयोग किसी तरह की कोई जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। केवल जिस मशीन में गड़बड़ मिलती है उसको बदल देते हैं, कि जिस मशीन में गड़बड़ मिलती है इससे थोड़ी समाधान निकलेगा। और दूसरी बड़ी बात यह कि अब ये जो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ की जा रही है, ये बड़े शातिर तरीके से की जा रही है। पहले जब हम देखते थे कि कोई भी बटन दबाओ लाइट बीजेपी की जलती थी तो आदमी को पता चल जाता था, अब ये जो नए सॉफ्टवेयर के अंदर गड़बड़ की है, नई गड़बड़े कर रही है भाजपा। अब बटन किसी का भी दबाओ लाइट उसी की जल रही है, लेकिन वीवीपैट में पर्ची जो आ रही है वो भाजपा की आ रही है। केजरीवाल ने सीधे सीधे उंगली चुनाव आयोग और बीजेपी पर उठाई है, लिहाजा बीजेपी ने भी तीखे शब्दों के साथ पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि यूं आरोप लगाना केजरीवाल की पुरानी आदत है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल को एमसीडी चुनाव में हार का डर सता रहा है। अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन कमीशन को धृतराष्ट्र कह रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी की पुरानी आदत है। जब जब हार वो सामने देखते हैं तब तब उनकी झुंझलाहट सामने आती है। ये दरअसल वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि एमसीडी के चुनाव में हारने वाला हो, और वो बहाना ढूंढ रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। अब उनको बहाना नजर आ रहा है। लेकिन ईवीएम पर चली इस महाभारत में केवल केजरीवाल मोर्चाबंदी नहीं किए हुए हैं, 16 राजनीतिक पार्टियां इस मसले पर एक सुर में हमलावर तेवर अख्तियार कर चुकी हैं। कांग्रेस समेत 16 पार्टियों के नुमाइंदों ने सोमवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग कर डाली। वोटर का विश्वास उठ जाता है तो निश्चित रूप से हमें वापस बैलेट बॉक्स पे जाना पड़ेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बीच बैलेट बॉक्स के द्वारा वोटिंग की जाए। अभी हिमाचल और गुजरात में चुनाव आने वाले हैं, वहां बैलेट बॉक्स द्वारा की जाए तो हम पता चल जाएगा कि निश्चित रूप से पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना इलेक्शन कमीशन की एक ड्यूटी है, और लोगों का विश्वास इस बात से उठ गया है कि ईवीएम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है, और इसलिए बैलेट पेपर से वापस आना चाहिए। आपको बता दें कि अगले सोमवार को चुनाव आयोग इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुला सकता है, ईवीएम पर उठ रहे सवालों का जवाब दे सकता है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ईवीएम पर सवाल उठे हैं। जब जब सवाल उठे हैं चुनाव आयोग ने हमेशा यही कहा कि वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ संभव नहीं है। चुनाव आयोग तो सवाल उठाने वालों को चुनौती तक दे चुका है कि अपनी बात को साबित करें। ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में भी लंबित है। आओ बहस करें में आज ईवीएम पर छिड़े इसी महाभारत पर चर्चा होगी। बहस करें में आज ईवीएम पर छिड़े इसी महाभारत पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करें अपने मेहमानों से, आपका परिचय करवाएं, उससे पहले नजर कुछ सवालों पर डाल लेते हैं कि आज आखिर सवाल क्या क्या उठ रहे हैं। सवाल यह है कि खोट ईवीएम में है या पार्टियों की सोच में है, धृतराष्ट्र कौन है, पार्टियां या चुनाव आयोग, क्या ईवीएम से होलसेल फ्रॉड संभव है, क्या बैलेट पेपर वोटिंग धांधली प्रूफ व्यवस्था है, क्या हार जीत से तय होगा ईवीएम पर नजरिया। ये तमाम वो सवाल हैं जो इस जुबानी जंग में, सियासी महाभारत में छिड़े हुए हैं ईवीएम को लेकर। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए आज खुली बहस में, खुली हवा में ये खुली बहस हो रही है, और हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हारून यूसुफ जी, कांग्रेस के नेता। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं ओपी शर्मा जी, बीजेपी के नेता, दिल्ली विधानसभा में विधायक भी हैं, और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विकास यादव जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत मैं आम आदमी पार्टी नेता विकास यादव जी से ही करना चाहूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा मुखर रही है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर। विकास जी पहला सवाल यही है, खोट आखिर किसमें है, ईवीएम में है, चुनाव आयोग में है या पार्टियों की सोच में है? जी विवेक यादव जी, किसमें है खोट? अनंत विवेक यादव नाम है हमारा, पहले तो मैं आपको बता दूं। दूसरा, पीछे से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, इसको अगर ठीक करा देंगे तो ठीक रहेगा।
और ये इको हो रहा है। देखिए, जहां तक आपने प्रश्न ये उठाया कि पार्टियों की सोच में कमी है या वाकई में इलेक्शन कमीशन या ईवीएम में कोई, ये आपकी बाबत वापस मेरी आ रही, इको हो रहा है, इसको ठीक करा दीजिए जी, इसको ठीक करवा लेंगे हम, इको हो रहा है। अनंत, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहूंगा कि इस पे सबसे पहले इस पे लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने जब सवाल उठाया था और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब विपक्ष में थे उस समय जब ये आवाज उठाते थे और ये बात करते थे तो उस समय किसकी सोच में कमी थी? क्या उस समय ईवीएम खराब थी और आज ईवीएम ठीक हो गई है? आडवाणी जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ईवीएम से फेयर इलेक्शन संभव नहीं है। आयोग धृतराष्ट्र बन गया, बीजेपी को जिताने के लिए कोशिशें हो रही है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जिस चुनाव आयोग पर, जिस इलेक्शन प्रोसेस पर पूरी दुनिया भारत को सामने रखती है, भारत की मिसाल देती है, उसमें खोट है? नहीं, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि जिस समय आडवाणी जी ने सवाल उठाए थे तो उन्होंने सवाल किसके ऊपर उठाए थे? उन्होंने भी सवाल जो उठाए थे वो इलेक्शन कमीशन पे और चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठाए थे। उन्होंने भी कहा था कि ईवीएम के अंदर खोट है और ईवीएम से फेयर एंड फाइन इलेक्शन नहीं हो सकता है। उसमें पूरे इनके जो प्रवक्ता है जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने पूरी किताब एक लिख दी है उसके ऊपर, इनके बड़े बड़े नेताओं की टिप्पणी है उसमें। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि पहले भारतीय जनता पार्टी भी ये मानती थी, आज एक अलग बात है कि वो सत्ता पक्ष में है और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा जी सवाल पूछे तो सही है, हम पूछे तो खराब है। देखिए, मति भ्रम किसी को भी हो सकता है। 2009 में किसको मति भ्रम था? जिसको भी हुआ हो वो आप जाने, मेरा कहना केवल इतना है। सवाल तो आपकी पार्टी ने भी उठाया। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, मति भ्रम किसी को भी, क्या आडवाणी जी को मति भ्रम हुआ है ऐसा कह रहे हैं ये? लेकिन मति भ्रम का मतलब ये नहीं है उसके ऊपर डिसीजन लिया जाए। जब 70 में से 67 सीट आती हैं तो ईवीएम ठीक होती है, और जब यूपीए 10 साल इस देश पे राज करती है, अनेकों ने एक स्टेट में राज किया और कर रही है, वहां ईवीएम ठीक है और बाकी जगह ईवीएम खराब है। चलिए, चर्चा में हारून यूसुफ जी को भी शामिल करते हैं। हारून यूसुफ जी, आपकी पार्टी के नेता भी कल पहुंचे, 16 पार्टियों के नेता कल चुनाव आयोग पहुंचे, मांग की गई कि बैलेट पेपर से वोटिंग करवाई जाए। क्या आपको लगता है बैलेट पेपर से वोटिंग करना फुल प्रूफ है, उसमें कोई धांधली नहीं हो सकती? और जब 2009 में आप दोबारा जीत कर आए जबकि कहा जा रहा था कि संभावना बहुत कम है, उस समय क्या था? उस समय भी ये सवाल उठ सकते थे? देखिए, 2009 में ये सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाए जी, और आज जो चुनाव अभी 5 राज्यों के हुए हैं उसमें अधिकतर पार्टियों को इस बात की शंका है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई, और प्रजातंत्र के अंदर अगर 2003 से ज्यादातर सिलसिला शुरू हुआ ईवीएम से वोटिंग कराने का, आपकी केंद्र में सरकार थी तब क्या था? देखिए, मैंने आपसे अभी कहा ना, जब हमारी सरकार थी अगर इस तरह के सवाल जब उठे थे उनकी जाँच कराई गई थी, लेकिन अब पूरे देश के अंदर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं और पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर सवाल एक के बाद एक हार के बाद क्यों? पूरी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर ईवीएम से वोटिंग होती थी, लेकिन हमारी जो भारतीय ईवीएम है वो नेट से कनेक्टेड नहीं है। चुनाव आयोग लगातार उन खूबियों को बता रहा है कि क्या क्या खूबियां इस ईवीएम में है। हम लगातार इस प्रोग्राम के दौरान भी नीचे दिखा रहे हैं कि ईवीएम का सुरक्षा तंत्र कैसा है, अगर उसमें कोई छेड़छाड़ होती है तो माइक्रोचिप सील हो सकती है, अगर दोबारा खोला जाएगा तो उसके अंदर वो डेटा खुद अपनी जानकारी देगा, ऐसे में फिर क्यों सवाल उठे? देखिए, प्रजातंत्र के अंदर अगर आवाम के अंदर ये अविश्वास पैदा हो रहा है तो इलेक्शन अविश्वास आवाम में है, पार्टियों में? जो आवाम की बात होती है वो पार्टियां कहती है, पार्टियां कोई आसमान से बातें। आपको आवाम की चिंता नहीं है क्या? आवाम की पूरी चिंता है और ये पार्टियों की चिंता नहीं, सभी की चिंता है। पार्टियां इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं? आप पूरा तो सुनिए जनाब भट्ट साहब, 2009 में ये मामला हुआ था, यूपीए की सरकार थी जी, और ये जो ईवीएम मशीन है इसमें डिफेंस का पीएसयू और एटॉमिक एनर्जी का पीएसयू दोनों ने मिलकर ये बनाई है। वन टाइम इसमें प्रोग्रामिंग होती है, दूसरी बार की गुंजाइश नहीं है। और इसके ऊपर 2009 में जब बहस हुई थी तो 1000 मशीनों में से 100 मशीनें अलग अलग 10 स्टेट की छांट के लाई गई थी। 3 से 8 अगस्त तक उन लोगों को समय दिया गया था और उनसे कहा गया था कि इसके अंदर किस प्रकार से आप बदलाव कर सकते हैं, छेड़छाड़ हो सकती है, उसको दिखाएं। लेकिन कोई भी पार्टी 2009 अगस्त में किसी प्रकार, चलिए मैं विवेक यादव जी के पास चलता हूँ। विवेक यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी मांग कर रहे हैं कि हमें जांच का मौका दिया जाए।
चुनाव आयोग ने कहा कि आइए जांच कीजिए, उसके बाद केजरीवाल जी का ट्वीट आता है 5 या 6 अप्रैल को कि हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोटिंग हो। आखिर आप चाहते क्या है? कभी कहते हैं 72 घंटे में मशीन दे दीजिए, फिर कहते हैं कि केवल बैलेट पेपर से ही वोटिंग हो तब हम मानेंगे। नहीं 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 नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहीं नहीं कहा जांच करें। वो अगर मिलकर के जांच करें तो हम लोग साबित करने को तैयार हैं कि इसमें छेड़छाड़ हुई है, इसमें ये टेम्परिंग संभव है। और इसकी प्रोबा देखिए, अभी आपको पहले से बैठक को संभव नहीं है, किसी डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है, करने की जरूरत ही नहीं है। आप साबित कीजिए, उसके अंदर टेम्परिंग हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है उसकी प्रोग्रामिंग में। और यही एक शक सबसे बड़ा पैदा होता है, जिस तरह से पूरे देश में आप अभी कह रहे थे आवाम पे भरोसा नहीं है, अरे यही आवाम तो ला करके सबूत दे रहा है, यही लोग तो बता रहे हैं निकाल निकाल के। अभी अभी निकल करके आया है की पत्रकारों की टीम मौजूदगी में एक मशीन दबाई जा रहा था बटन उसका, और उसमें से बीजेपी की पर्चियां निकल रही थी। वहां एक अधिकारी प्रेशर बना रहे थे कि खबर को किसी तरह दिखाया ना जाए। तो मेरा कहना यह है कि इसमें सब कुछ संभव है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र यहाँ साबित होता है कि पहले जहां पर ये कहा करते थे कि ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है और ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है, आज जब इनके हाथ में वोट है, जब सब कुछ सेट कर लिया है, तब आप ये कह रहे हैं कि नहीं सारा कुछ ठीक है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको 67 सीटें मिली तब ये ईवीएम खराब नहीं थी, अब ये ईवीएम खराब है। आप पंजाब में जीत का दावा कर रहे थे, जनता ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, आपको विपक्ष में बिठा दिया, तो आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। आपके गोवा में जमानतें जब्त हो गई तब आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। अनंत, सवाल जीत और हार का नहीं है, सवाल है कि किस वक्त चीज खुली। अब ये सारे सबूत जो सामने आ रहे हैं इसको आप डिनाई कर सकते हैं? जिस तरह से ये हो रहा है कि पर्ची आप बटन कोई भी दबा रहे हैं, पर्ची बीजेपी की निकल रही है, तो आप इसको किसी जीत और हार से जोड़ करके खारिज नहीं कर सकते हैं? देश के सामने गंभीर मसला है कि किस तरह से निष्पक्ष चुनाव के आड़ में इतनी बड़ी साजिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो हुआ और सारे प्रदेशों में जो हुआ इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं? आपके पास सबूत क्या है? क्या आप साबित कर पाएंगे इस बात को? क्या आप साबित कर पाएंगे कि धांधली हुई है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि एक्सपर्ट्स की टीम बिठा करके अगर वो इसके लिए चुनाव आयोग मौका दे तो निश्चित रूप से साबित किया जा सकता है, लेकिन वो तैयार ही नहीं कर पाएंगे। उल्टा सुझाव देने में लग जाते हैं कि ये समीक्षा करें और वो समीक्षा करें, इसलिए कहा कि चुनाव आयोग इसके संज्ञान लेना नहीं चाहता। डेटा सुरक्षित रह सकता है ईवीएम के अंदर? क्या आपको पता है कि अगर माइक्रोचिप के साथ छेड़छाड़ होगी, उसकी प्रोग्रामिंग के साथ छेड़छाड़ होगी, तो वो मशीन खुद ब खुद बंद हो जाएगी? क्या आप जानते हैं कि जिस समय चुनाव के अंदर वोटिंग शुरू होती है उस समय सबसे पहले जितने पार्टी के वहां पर एजेंट्स होते हैं उनके सामने मॉक ड्रिल की जाती है? मॉक ड्रिल के नाम पे भी मजाक होता है। प्रोग्रामिंग जब की जाती है, अगर प्रोग्रामिंग के कोई एक्सपर्ट्स हो उनसे आप जानकारी करें और पता करें, तो प्रोग्रामिंग जो सेट की जाती है उसमें बहुत सारी चीजें संभव है कि जब मॉक ड्रिल हो शुरू के 50 वोट तो ठीक निकले और 50 वोट के बाद वो प्रोग्रामिंग सेट की जाए या कितने वोट के बाद वो प्रोग्रामिंग सेट की जाए, ये प्रोग्रामिंग के इंजीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको अच्छे से बता देंगे। दूसरा, आप जो कह रहे हो कि वो मशीन अपने आप बंद हो जाएगी, ये सब झूठ क्या है? चुनाव आयोग खुद से जो बोल रहा है वही हम और आप जान रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए जांच होना बहुत जरूरी है। क्या उसमें गड़बड़ी संभव नहीं है? क्या उसमें गड़बड़ी नहीं होगी? क्या इस बात की गारंटी है? मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया अनंत, इको हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। मेरा सवाल आपसे ये कि अगर बैलेट पेपर से वोटिंग होती है तो क्या उसमें गड़बड़ी नहीं होगी? जब आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है तो आप बैलेट पेपर वो वोटिंग पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? देखिए, बैलेट पेपर पे लोग सामने से अपना मोहर लगाएंगे और जानेंगे हमने वोट किस पे डाला है, इसी देश लेकिन कम से कम ऐसा तो नहीं होगा बटन हम कुछ और दबा रहे हैं और वोट कहीं और पड़ रहा है। हमें ही नहीं पता कि हम वोट बटन कौन सा दबा रहे हैं और वोट कहाँ पड़ रहा है। बैलेट पेपर पे ये तो पता रहेगा कि हमने कहाँ मोहर लगाया है, हमारे सामने उसको फोल्ड करके हम बॉक्स में डालेंगे, उसकी काउंटिंग होगी, एजेंट सामने देखेगा किसका वोट निकला है, लेकिन इस मशीन के अंदर तो पता ही नहीं चल रहा है बटन कौन सा दबा रहे हैं और वोट कहाँ पड़ रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है। देखिए, बिल्कुल पीछे जाने वाली नहीं है। प्रजातंत्र के अंदर, जमहूरियत में, अगर इस तरह की शंका इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में है और ये बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है, इस दुनिया के बहुत सारे विकसित देशों ने अब ईवीएम की जगह बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और इसी वजह से हारून जी उसमें एक बात है, जहां दूसरे देशों में सवाल उठे वहां पर नेट से कनेक्टेड थी,
वहाँ पर सर्वर से कनेक्टेड थी मशीनें, वहाँ पर धांधली की गुंजाइश थी, हमारी मशीनें नेट से कनेक्टेड नहीं है। इस पहलू को कैसे नजरअंदाज करेंगे? ये एक बहस का मुद्दा है। मैंने आपसे कहा कि हम लोग चुनकर आते हैं, अवाम हमको चुनती है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो सवाल ये उठेगा, क्या हार जीत ये तय करेगी कि ईवीएम सही है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है, और राजौरी गार्डन में जो चुनाव हुआ है क्या उसके नतीजे के बाद भी सभी पार्टियां अपने अपने स्टैंड पर कायम रहेंगी? अगर आम आदमी पार्टी जीती है तब भी इस बात तक कायम रहेगी कि वोटिंग मशीन में धांधली हुई थी? क्या होगा इस पर बात, इस एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। सर ये देखिए, एक के साथ एक फ्री सेविंग करनी हो तो ले लीजिए। सिस्का ट्रिपल एडवांटेज, असली सेविंग। आस्क सिस्का, सिस्का एलईडी, लाइट इयर्स अहेड। क्या आप थकान, तनाव, घटते जोश व स्टेमिना से परेशान हैं? तो रोज लें शिलाजीत केसर मोतीयुक्त, 70 वर्षों से विश्वसनीय राज वैद्य रसायन वटी। ड्राइव की रेस, पिच कभी ड्राई कभी वेट, कभी खुरदुरा कभी हरा भरा कभी भरा भरा। हाँ मंडे को ब्लूज, चिल करो मिट मारो गन्ने का जूस। मेरा काम नहीं रुकेगा, वहाँ खेल नहीं रुकेगा, बॉलर करे स्पिन लेके सेल नहीं रुकेगा। तैयार रहे, तैयार रहे, तैयार रहे क्या? इस वीवो आईपीएल हॉट मैच के लिए हमेशा तैयार रहे। असली जिंदगी में तो सिर्फ धूल, मिट्टी, पोल्यूशन और चिपचिपाहट, इसलिए मेरे पास है मेरी माँ का नुस्खा आयुर्वेदिक सेसा। 18 जड़ी बूटियाँ, 5 पोषक तेल और दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से सिद्ध सेसा बालों की हर समस्या को सुलझाए। सेसा। Here's to you, the fearless. To the men and women, here's to you all. Live big with the all new Samsung Galaxy C9 Pro. खास कार्यक्रम आओ बहस करें, आज खुली हवा में खुली बहस हो रही है ईवीएम को लेकर, सवाल खड़े हुए हैं। धृतराष्ट्र तक कह दिया गया चुनाव आयोग को, इसी मसले पर हम बात कर रहे हैं। सीधे मैं यहां पर रुक करना चाहूंगा, विवेक यादव जी का, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। विवेक जी, सवाल हमारा यह था, क्या हार जीत नजरिया तय करेगी ईवीएम को लेकर, और राजौरी गार्डन का जो रिजल्ट आता है क्या आप तब भी अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे? अनंत, बिल्कुल हार जीत बिल्कुल तय नहीं करेगी, मैं आपसे कह रहा हूँ प्रमाण तय करेंगे, जो देश के सामने निकल निकल के आ रहा है, जैसे लोगों ने सवाल किया सर आपसे, वो तय करेंगे। इस पे भरोसा कैसे किया जाए न किया जाए, सवाल चुनाव आयोग पे कैसे खड़ा किया? वो विकसित देश जो इन मशीनों को बनाते हैं वो इस पे भरोसा नहीं करते हैं। वहाँ आप देखिए कि बैलेट मशीन से बैलेट पेपर पे मशीनें भारत में बनती है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वो भरोसा नहीं करते, वो मानते हैं। पहला प्रोटोटाइप इन हमें क्या दिक्कत है उसमें, अगर आप पहले अपनी जानकारी में सुधार कीजिए विवेक जी, भारत में ही बनती है मशीनें ये। मैं ये आपसे ये कह रहा हूँ, सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ है? सबसे पहला प्रयोग जहाँ हुआ है, जिन पर हमसे पहले जहाँ ईवीएम मशीनों का जो प्रयोग करते थे देश, उन देशों ने इसको खारिज कर दिया है। वहाँ आज बैलेट पे वोट हो रहा है। देश, तो देश देशों ने जो खारिज कर दिया है, जिन्होंने हमसे पहले प्रयोग किया है, कुछ ना कुछ तो कमियां रही होंगी, तो अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे देशों ने जो नतीजा आएगा राजौरी गार्डन का, क्या आप तब भी इसी स्टैंड पर कायम रहेंगे जो समय पार्टी का? बिल्कुल, अगर आप जीतते हैं तब भी। देखिए, इलेक्शन कमीशन का निर्णय आखिरी होता है, इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष। मेरा सवाल यह है कि राजौरी गार्डन में बाय चांस आप जीत गए, अगर आप जीत गए तो क्या आप तब भी इसी स्टैंड पर कायम रहेंगे कि धांधली हो सकती है, लोगों का विश्वास नहीं है, पार्टियों का विश्वास? पार्टी ने स्टैंड लिया है, कल गुलाम नबी आजाद जी इलेक्शन कमिश्नर को मिले थे और हमने अपनी शंकाएं इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखी हैं, और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, अभी भी मैंने 4 बार इस बात को कहा है कि अगर इस तरह की शंका इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में है कि
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है गोवा में और मणिपुर में, और किस तरीके से मैंडेट को मैनिपुलेट करके सरकारें बन रही है। वो तो आपका आलस, उसमें से ये कहा जा रहा है कि आप आलस कर गए उसके अंदर। आपकी पार्टी के नेता ही खुद कह रहे हैं गोवा में आपके विधायक इस बात से नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि आला कमान ने कुछ नहीं, वो अलग मसला है। ओपी जी, लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, कि सरकार के इन्फ्लुएंस में काम हो रहा है, बीजेपी को जिताने की साजिश हो रही है, बीजेपी का क्या स्टैंड है, और ये जो पूरा कोहरा है, धुंध है, ये साफ हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, इसमें दो बातें, आपने दो सवाल पूछी। कोई भी मरणासन्न व्यक्ति जब अनर्गल प्रलाप करता है, इसी प्रकार मरती हुई आम पार्टी के केजरीवाल जी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। नंबर एक, पिछले 10 साल में करीब 10 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये मामला उठा है, और इलेक्शन कमीशन ने डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी की जो PSU हैं उनके इंजीनियरों को साथ लाकर 1000 मशीनों में से रैंडम 100 मशीनें अलग अलग 10 स्टेट की छांट कर उन सब लोगों को बैठा कर ये बोला गया कि भाई आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको आप कीजिए। लेकिन मुझे तो लगता कोई नहीं कर पाया, और फिर अब मुझे लगता है आने वाले उसी कोर्ट ने याचिकाएं भी एक्सेप्ट की हैं। एक PIL एक्सेप्ट हुई पिछले महीने, एक PSP की याचिका एक्सेप्ट हुई। आगे तो आऊं, वही एक्सेप्ट की है अभी एक्सेप्ट। मुझे लगता है आने वाले 2-4 दिन में फिर दोहराई जाएगी। अगर इनमें से IT के जो इंजीनियर हैं या जो दूसरे लोग हैं जो चिप वन टाइम जिसकी रिकॉर्डिंग है और दूसरी बार उसमें छेड़छाड़ करने से बंट हो जाती है, ये भारत के गर्व और गौरव का विषय है कि भारत की डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी के PSU ने मिलकर एक ऐसी नायाब चीज बनाई है जिसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। अपने बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि सोफिस्टिकेटेड से सोफिस्टिकेटेड मशीन में भी छेड़छाड़ हो सकती है, ये याचिका तब भी गई। देखिए, 10 हाई कोर्ट में हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी गई, और फिर भी अब आगे भी तैयार है, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी मुद्दे पे। आप ये भी जानते होंगे सुब्रमण्यम स्वामी जी की याचिका पर ही VVPAT का इस्तेमाल हुआ था, आशंका उन्होंने भी जाहिर। सुनिए मेरी बात, मैंने आपको पहले भी कहा मति भ्रम किसी भी पार्टी में किसी को भी कभी भी हो सकता है। मैं उस बात से इतना मोह क्या है, केवल मशीन की बात कर रहा हूँ। मशीन के बारे में जितनी बार आशंकाएं उठी, मतलब भाजपा के नेताओं को मति भ्रम था, उनको देखते हुए विपक्ष में थे कि ये हमारे गर्व और गौरव का विषय है, और यदि हमारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को इसके बारे में आशंका है तो दोबारा उस क्या इन तमाम फैक्ट से आप वाकिफ नहीं है? दोबारा नौ आप भी इतने साल सत्ता में रहे, तमाम चुनाव आपने भी दोहराया जाए। देखिए, जिस तरीके से 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ है और जिस तरह के परिणाम आए, उससे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ये शंका जागी है कि कहीं ना कहीं EVM के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। जैसा अभी आपने कहा कोर्ट में याचिका है, भारतीय केंद्र में बीजेपी इसलिए आशंका जाग गई, भारतीय कांग्रेस केंद्र में थी तो आशंका नहीं थी। देखिए, कांग्रेस ने कभी इस तरह की कोई शंका जब भी लोगों ने जताई है उसके लिए कांग्रेस ने 2009 में छेड़छाड़ से जीते थे क्या? मैं बता रहा हूँ, 2009 में अडवाणी जी ने कहा कि हमें इन EVM पे विश्वास नहीं है, 2014 में वो विश्वास लौट आया। तो मेरे जो पार्टी ने स्टैंड लिया है वो लोगों की भावनाएं जो है, लोगों को लग रहा है कि शायद ऐसा छेड़छाड़ की जा सकती है, तो उस शंकाओं को और जो लोगों के जहन में खदशात है उनको दूर करने के लिए मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं विवेक यादव जी से करना चाहूंगा। विवेक जी, कोर्ट में ये मतला है, अब सवाल यहाँ पर ये है कि कोर्ट में भी क्या यकीन नहीं है? हाई कोर्ट से PLA की ने याचिका दाखिल की, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, उसमें मेरिट नजर नहीं आया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हमारी उपलब्धि है, क्या उन बातों पर भी गौर नहीं करेंगे? और अगर चुनाव आयोग मौका देता है साबित करने के लिए और आप साबित नहीं कर पाए तो क्या? देखिए, अभी कोर्ट में मैटर है, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है इस तरह की याचिका। इसका मतलब कोर्ट में कहीं ना कहीं ये कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, वो सहमत है इस चीज से, बात शंका और उसका नहीं, उसकी नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज इनको इतना मोह क्यों हो गया? ये वो लोग जो कल EVM को कोसते थे, पानी पी पी के पूरी पार्टी एक किताब लिखती थी पूरी की पूरी, और आज इनको EVM से मोह हो गया है, क्यों इसकी जांच कराने को तैयार नहीं है? और बैलेट पेपर से वोट कराने में दिक्कत है। विवेक जी, समय की कमी हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया अपना नजरिया अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। साथ ही हम शुक्रिया अदा करेंगे OP शर्मा जी का, हारून यूसुफ